Hi friends, welcome to my Dwija. Can I shift my baby from bottle feeding to breastfeeding? क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या ऐसा कोई ट्रिक्स है, क्या ऐसा कोई टिप्स है जिससे मैं मेरे बच्चे को बॉटल फीडिंग से वापस ब्रेस्ट फीडिंग पे शिफ्ट कर सकती हूँ? यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे वो सारे रीजंस कि क्यों ऐसा हुआ, वो सारे ट्रिक्स जिससे हम लोग ये चीज़ धीरे से कर सकते हैं, एंड लास्टली प्रैक्टिकल अप्रोचेस जो एक मम्मा को अपने प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा हाईली आस्क्ड वीडियोस में से एक वीडियो है। पहला चीज़ जानते हैं एग्जैक्टली बच्चा बॉटल फीड लेने क्यों लगा। फर्स्ट रीजन कैन बी प्रीमेच्योर बर्थ और हाईली अंडरवेट चाइल्ड। किसी वजह से इमरजेंसी डिलीवरी करना पड़ा, बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा कम था। दो देर आर इनफ केसेस जहाँ पे सातवें महीने में, आठवें महीने में पैदा हुए बच्चे का बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग सेट होते हुए मैंने देखा हुआ है। बट यस, देर कैन बी अ रीज़न कि बच्चे को इनिशियल डेज में टॉप मिल्क का बैकअप ज़्यादा देना पड़ा और कहीं पे नर्सिंग सेट नहीं हो पाया। दूसरी वजह कैन बी एनी काइंड ऑफ अ सर्जिकल प्रोसीजर जो माँ के ऊपर हुई है या बच्चे के ऊपर हुई है, और उसकी वजह से माँ और बच्चे में सेपरेशन था, इसीलिए नर्सिंग सेट नहीं हो पाया। तीसरी वजह हो सकती है कि ब्रेस्ट में कोई इशू है, निप्पल में कोई इशू है, या समहाउ मिल्क फ्लो सेट नहीं था, सो ब्रेस्ट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। सो ब्रेस्ट और निप्पल के कंसर्न की वजह से बहुत बार ऐसे हो सकता है कि इनिशियल डेज में बच्चे को बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये था बॉटल, अभी हम लोग इनिशियल डेज में दे चुके हैं, अभी बच्चा ब्रेस्ट अपने मुंह में नहीं ले पा रहा है, या तो फिर दूसरी चीज़ नोइंग टू मच। हम लोग गूगल पढ़ते हैं, हम लोग लैक्टेशन एक्सपर्ट को मिलते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाते हैं कि हम लोग उस चीज़ का नेचुरल फ्लो खो देते हैं जो चीज़ आपके बच्चे को पेट के अंदर से ही पता है। उस चीज़ को सीखने की या सिखाने की ज़रूरत क्या है? जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में चले जाते हैं, हम लोग उसका एक नेचुरल फ्लो मिस आउट कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह कि क्या आपको बिल्कुल भी पता नहीं था या आपको टू मच जानकारी थी, और वो सब जानने के बाद जब भी आप लोग ट्राई करते हो तभी बॉटल से बच्चा ब्रेस्ट पे नहीं आ पाया और बॉटल बच्चे को ज़्यादा दिनों तक देना पड़ा। ये सारे रीजंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिल में रखना है। ये जो ट्रिक्स हम लोग आगे शेयर करने वाले हैं उसके लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक, इट टेक्स टाइम। आपको बहुत अच्छे से खुद को बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होने वाला है कि मैंने आज शुरू किया और पाँच दिन में मेरे बच्चे ने बॉटल छोड़ दिया और मेरे बच्चे ने ब्रेस्ट फीड शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट वजह, इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। सो एज अ मदर माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये सारे ट्रिक्स यूज करने के बाद एक बार बच्चे ने श्रेया बहुत अच्छे से लैच किया, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, बट वापस बच्चे ने लैच करना छोड़ दिया। ये 100% पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, मेरा बच्चा तो मेरे ब्रेस्ट को धक्का मार देता है, मेरा बच्चा तो मुँह ही नहीं खोलता। देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ सेट नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोगों ने सोच दिया कि हमको इस चीज़ के लिए ट्राई करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। मैंने एक मम्मा को रिसेंटली बोला था कि अगर आपके बच्चे को बॉटल का आदत लगने के लिए 11 दिन, 12 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर लगे, एटलीस्ट उससे आधा टाइम तो भी दो ताकि बच्चा फर्स्ट टाइम अपना लैच कर सके। तो पेशेंस इज द की। थर्ड, जेंटलनेस, बी जेंटल। बाय हार्श अप्रोच, फोर्सिंग योर चाइल्ड, पुशिंग योर चाइल्ड टूवर्ड्स ब्रेस्ट, बच्चे को बहुत भूखा करो, भूखा करो, भूखा करो, और फिर ब्रेस्ट मुंह में दो, ये अल्टीमेटली बच्चे को और क्रैंकी बनाएगा, बच्चे का आपके ब्रेस्ट की तरफ निगेटिव एसोसिएशन तैयार करेगा, और आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा ब्रेस्ट के चेस्ट के पास आने के बाद भी बहुत वियर्ड तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसका वजह यह हो गया कि हम लोग जेंटली उस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट नीड्स लॉट ऑफ टुगेदरनेस। आप दोनों को साथ में सीखना पड़ेगा। सी, कहीं ना कहीं एज अ मदर आप भी ब्रेस्ट फीड करना सीख रहे हो ना ऐसे बच्चे को जो अभी बॉटल फीड कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके बच्चे को बॉटल का आदत है, बच्चे को बॉटल पसंद है, बच्चा कई दिनों से, बिकॉज बॉटल के लिए टंग जैसे काम करता है वैसा ब्रेस्ट के लिए कभी भी काम नहीं करता। तो बच्चे को एक स्पेसिफिक तरीके की आदत हो गई है कि ऐसे टंग रखने के बाद, ऐसे होल्ड करने के बाद मुझे दूध मिलता है,
और वो कई दिनों से मिल रहा है। सडनली जब भी हम लोग बच्चे को ब्रेस्ट के ऊपर लेके आते हैं तो बच्चे को वो आदत चेंज करने के लिए यू हैव टू बी टुगेदर। सो ऑलवेज टेल पेरेंट्स, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ये मैं मेरे बच्चों को कैसे सिखाऊंगी ब्रेस्ट फीड कैसे करना। द क्वेश्चन शुड बी हम दोनों साथ में कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं ताकि मेरा बच्चा बॉटल से ब्रेस्ट पे आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज के सारे ट्रिक्स। फर्स्ट ट्रिक विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, वी कैन नॉट गो टेक्निकली विद दिस। हम लोग टेक्निकली बच्चे को मेथड्स यूज़ करके बॉटल से ब्रेस्ट पे नहीं ला सकते। हम लोग को ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल वे में करना पड़ेगा। प्लेफुल मतलब एक बहुत ब्यूटिफुल सा लाइन मैंने गूगल पे पढ़ा था, किसी ने लिखा हुआ, बच्चा बॉटल से, आपके फीडर से, आपके स्पून और वाटी से आपका पेट भरता है। आप जब भी ब्रेस्ट के ऊपर मुंह लगाते हो तभी आपका सोल भरता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आपके बच्चे को जब भी पास में लो, इंस्ट्रक्शन, टेक्निक्स, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, बहुत ज़्यादा एम्पथी के साथ, आपका सारा हार्ट, बॉडी, योर माइंड, योर टेक्निक, उस सब चीज़ों को डिसॉल्व करके बच्चे को पास में लेके जब भी कोशिश करोगे तभी वो चीज़ सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा चीज़ जो आप लोग को याद रखना है, लॉट ऑफ स्किन टू स्किन टच। ये नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। यस, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ बेस्ट फूड, बट किसी वजह से बच्चा नहीं ले रहा है। अगर मैं कॉन्स्टेंटली गिल्ट में जाऊंगी और यही सोचूंगी नहीं मेरा बच्चे को तो ले लो बॉटल दे दो, तो मेरे पास में भी आता है ना तो बहुत रोता है, ठीक है ना, ब्रेस्ट के पास मत लो। टेक योर अपर बॉडी नेकेड, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, बच्चे को भी प्रिफरेबली नेकेड रखो और बच्चे को खुद के चेस्ट के ऊपर लेके काम डाउन करो। एवरी डे टेक योर चाइल्ड ऑन चेस्ट, 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा बोलते हैं फ्रंट टू फ्रंट। बच्चे का फ्रंट बॉडी आपके फ्रंट बॉडी की तरफ फेस होना चाहिए। माइट भी बच्चा खुद होके 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद ब्रेस्ट की तरफ अपना लाइकिंग बढ़ाएगा, माइट भी नहीं बढ़ाएगा, बट वो स्किन टू स्किन टच बच्चे को वो बॉन्डिंग देगा, वो सिक्योरिटी देगा और एक माँ की तरफ अटैचमेंट बिल्ड करवाएगा। थर्ड चीज़ जो आप लोग फॉर श्योर कर सकते हो कि बच्चे को ब्रेस्ट के ऊपर नहीं लेना है, भूखा बच्चा जब भी होता है तभी वो क्रैंकी है, वो इरीटेटेड है और तभी बच्चे को बॉटल की आदत है, तो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। एक कर सकते हो कि बच्चे का पूरा पेट भरने के बाद फिर आप बच्चे को ब्रेस्ट के पास लेके आओ और फिर बच्चे को लैच करवाने की कोशिश करो। कर दिया, वेरी गुड, नहीं कर दिया तो भी इट्स ओके। सेकेंड वे में जो आप ट्राई कर सकते हो, बच्चा पूरा भूखा नहीं होना चाहिए बट आधा फुल होना चाहिए। बच्चे ने जब भी आधा दूध पी लिया है, सी बॉटल के अंदर कौन सा दूध है दैट डिपेंड्स, माइट बी इट्स योर एक्सप्रेस्ड मिल्क जो आप बच्चे को पिला रहे हो, माइट बी इट्स पाउडर्ड मिल्क जो आप बच्चे को पिला रहे हो। तो आपने बच्चे को ब्रेस्ट के पास लिया है, जब भी बच्चे का आधा खाना खा के हो गया है, बच्चा थोड़ा सा काम डाउन है, थोड़ा सा कूल है, तभी जब भी आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट के ऊपर लेते हो तभी उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो बहुत बार बच्चा लैच करने की कोशिश करता है इन द पीसफुल वे। प्रीफरेबली आप बच्चे को अगर सप्लीमेंटेशन दे रहे हो, मतलब बॉटल में ऊपर का दूध दे रहे हो, तो धीरे धीरे कोशिश करो क्या आप बच्चे को पाउडर्ड मिल्क से एटलीस्ट एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क पे अगर शिफ्ट कर सको तो। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क पे हम लोग कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके। हैंड एक्सप्रेशन आप लोग कर सकते हो, सिरिंज से आप लोग मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हो और वो मिल्क आप कटोरी चम्मच से बच्चे को फीड करवा सकते हो, या तो फिर अगर बच्चा ऑलरेडी बड़ा है, आपको बहुत सारा दूध है, आप एक्सप्रेस करके बच्चे को पिला रहे हो, वेल एंड गुड। आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप बच्चे को प्रिफरेबली धीरे धीरे एक्सप्रेस्ड मिल्क पे शिफ्ट करो फ्रॉम द टॉप मिल्क, भले ही वो बॉटल से दिया जा रहा है। सो सिक्योरिटी के लिए चेस्ट पे लो और न्यूट्रिशन के लिए बच्चे को टॉप मिल्क के बदले अपना एक्सप्रेस्ड मिल्क दो। नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंश्योर करो दैट यू हैव अ वेरी गुड ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट होता है कि हम लोग बॉटल फीड दे रहे हैं इतने दिनों से, उसकी वजह से धीरे धीरे मेरा मिल्क का फ्लो कम होते जा रहा है। मिल्क फ्लो बढ़ाने के बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्विक्स हैं जिसका वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, बट अभी के लिए आप लोगों को याद रखना है पंप मोर ऑफन। या अगर आप लोग हैंड एक्सप्रेस कर रहे हो तो हर 1 या 1.5 घंटे बाद आपको एक्सप्रेस करके दूध निकालना है और वो बच्चे को ऑफर करने की कोशिश करना है। ब्रेस्ट मिल्क को आप कैसे स्टोर कर सकते हो उसका भी मैं वीडियो आप लिंक कर रही हूँ। सिर्फ इनिशियली आपको रियलाइज़ होगा बहुत कम क्वांटिटी निकलता है, बट इट्स अ डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म।
आप जैसे जैसे धीरे धीरे कोशिश करोगे, सारे ट्रिक्स यूज़ करोगे, राइट डाइट फॉलो करोगे, कुछ ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर्स यूज़ करोगे एंड अल्टीमेटली यू विल ऑब्जर्व कि आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है. और जैसे जैसे ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ेगा, आप धीरे धीरे बच्चे को पाउडर्ड मिल्क से ब्रेस्ट मिल्क पे शिफ्ट कर सकते हो. नेक्स्ट चीज़, ट्राई टू रिजेंबल योर ब्रेस्ट विद द बॉटल. ब्रेस्ट को बॉटल से आप लोग रिजेंबल कैसे कर सकते हो? अगर आपका मिल्क फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा, बॉटल से पीने की आदत है, तो बहुत बार निप्पल शील्ड, बॉटल का जो निप्पल होता है उससे मैच करता है, तो फिर आप लोग निप्पल शील्ड यूज़ करके बच्चे को फीड करवाने की कोशिश कर सकते हो. बहुत अलग अलग टाइप के निप्पल शील्ड मिलते हैं. इनफैक्ट न्यूबॉर्न बेबी है, निप्पल शील्ड के ऊपर हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं जो मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ. तो आप लोग निप्पल शील्ड को होल्ड करके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश कर सकते हो, सो दैट आपका मिल्क बच्चा पिएगा और एटलीस्ट आपके ब्रेस्ट के पास कोजी होके पिएगा. कई बार निप्पल शील्ड काम करता है, कई बार निप्पल शील्ड काम नहीं करता है, बट वन ऑफ द थिंग अगेन रिमेंस, बॉटल से आपने दूध पिला दिया हाफ वे थ्रू एटलीस्ट, फिर आप लोग अगर बच्चे को निप्पल शील्ड पे लेते हो तो कई बार बच्चा बहुत अच्छे से दूध पी लेगा. ये चीज़ आप लोग कैसे कर सकते हो? बॉटल को कभी भी डायरेक्टली बच्चे के हाथ में मत दो. प्रिफरेबली पेरेंट्स शुड होल्ड द बॉटल, और बॉटल के ऊपर कोई कपड़ा, कोई सॉक्स, कोई कवर, इस चीज़ को पकड़ो. और जब भी आप आधा बॉटल देने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट के ऊपर लेते हो तो कोशिश करो सेम कपड़ा या सेम सॉक्स, जो भी चीज़ है, वो ब्रेस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से कवर करो, ताकि अगर बच्चे का हाथ उसके ऊपर लगता है या आप जो भी बहुत अच्छे से पकड़ते हो तो बच्चे को सेम टाइप का फील आए, और बच्चे बहुत बार लैच करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट ट्रिक दैट यू हैव टू यूज, चेंज डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस. आपको पोजिशंस चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लीज़ द वे आई से, डोंट बिलीव इन नोइंग टू मच. बच्चे को कभी भी सिर से नहीं पकड़ता है, बच्चे को हमेशा गर्दन से सपोर्ट किया जाता है, बिकॉज बच्चे प्रीफर नहीं करते हैं कि निप्पल मेरे मुँह के सेंटर में जाए, बच्चे प्रीफर करते हैं कि निप्पल मेरे मुँह के अपर पैलेट में जाए. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं निप्पल को यूजुअली नाक और लिप्स के बीच में लगाना होता है. बच्चा स्मेल करके चिन को ब्रेस्ट की तरफ धक्का मारता है, हेड को पीछे पुश करता है और फिर निप्पल को मुंह में लेता है, क्योंकि बच्चा नेचुरली ट्रेंड है निप्पल और निप्पल के साइड का ब्राउन एरिया मुंह में लेने के लिए. जैसे ही हम लोग बच्चे के सिर को पकड़ने लग जाते हैं, बच्चा वो नेचुरल मूवमेंट गिव अप कर देता है और डीप लैचिंग पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. डीप लैचिंग आप लोग कैसे पा सकते हो उसका भी मैं वीडियो आपको लिंक करी, वो आप लोग एक बार देख लेना. तो आप लोगों को अलग अलग पोजीशंस ट्राई करनी है. ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे पोजीशंस के ऊपर हम लोग माया द्विजा पे वीडियोस कर चुके हैं, दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई. नेक्स्ट ट्रिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बच्चे जब ही जगे हुए होते हैं तभी यूजुअली वो बॉटल से ही लेंगे. यू कैन डेफिनेटली ट्राई बच्चे को स्लीपिंग पोजिशन में फीड करवाना. उसके ही साथ आप लोग ट्राई कर सकते हो बच्चा जब भी हाफ स्लीपी है तभी फीड करवाना. अगर बच्चा थोड़ा सा ड्राउजी है, थोड़ा नींद पे आ गया है, बच्चे का पेट भरा हुआ है, तभी अगर आप लोग स्लीपिंग पोजीशन में बच्चे के मुंह में ब्रेस्ट देते हो तो बच्चे बहुत बार ब्रेस्ट पे सक करेंगे. आपको पता है और एक फंडा, सक नहीं किया तो भी चलेगा. द स्पिरिचुअल साइकोलॉजी एंड द चाइल्ड साइकोलॉजी सेज, अगर बच्चे ने सिर्फ मुंह में भी लिया ब्रेस्ट, भले ही वो ब्रेस्ट एम्प्टी ब्रेस्ट हो, शायद उसमें मिल्क सप्लाई नहीं है, भले ही वो ब्रेस्ट फुल ब्रेस्ट हो लेकिन बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है, इन ईदर ऑफ द वेज बच्चा अगर सिर्फ उसको मुंह में भी लेके बैठे, इट बिल्ड्स एन अमेजिंग बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, जिसका बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. तो आप लोग ये एक ट्रिक 100% यूज़ कर सकते हो. धीरे धीरे अगर आप लोग को पॉसिबल हो, बच्चे को हाफ टाइम बॉटल फीड एंड हाफ टाइम कटोरी चम्मच के ऊपर शिफ्ट कराने का कोशिश करो. उससे बच्चा पार्शली, सो स्पून और कटोरी से जब भी आप लोग बच्चे को दूध पिलाते हो या आप लोग सिरिंज से जब भी बच्चे को दूध पिलाते हो, तभी अल्टीमेटली बच्चे का टंग मूवमेंट एग्जैक्टली वैसा है जैसा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होता है. हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट 10-12 मसल्स साथ में काम करते हैं जब इसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है. सो एग्जैक्टली टंग और माउथ के मसल्स समवेयर उस क्लोज डायरेक्शन में काम करते हैं जब भी आप लोग कटोरी चम्मच या सिरिंज से बच्चे को दूध पिलाते हो. सो दैट 100% यू कैन स्लोली स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग, जिससे बच्चा धीरे धीरे ब्रेस्ट के ऊपर आने के लिए ट्यून इन हो जाए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल ऑफ यू, सपोजिटली ये सब करके भी आपको रियलाइज़ हुआ मेरा बच्चा ब्रेस्ट पे दूध नहीं ले पा रहा है और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, आपको 100% अवॉइड करना है कि बच्चे का निगेटिव एसोसिएशन अगर ब्रेस्ट के साथ बिल्ड है, वो आप लोगों को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मेरी पेरेंट्स टेल मी, मैंने ना बच्चे को ज़बरदस्ती ब्रेस्ट पे लेने का कोशिश किया, बच्चे को ना पूरा भूखा रखा, मेरा बच्चा पूरा दिन रोया लेकिन ब्रेस्ट को मुंह में नहीं लिया.
बिकॉज योर चाइल्ड इज एसोसिएटिंग निगेटिविटी विद ब्रेस्ट. इसीलिए बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से मुंह हिलाएगा, ब्रेस्ट को अपने से दूर खींचेगा, बैक को आर्च करके जंप करने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्रेस्ट को मुंह में नहीं लेगा. तो आपको याद रखना है, दैट्स व्हाई आई सेड स्किन टू स्किन टच, कोजीनेस. जेन्युइनली स्पीकिंग, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो. आप बच्चे के साथ, बच्चा अगर ब्रेस्ट के पास आता है तो वो टुगेदरनेस एन्जॉय करने की कोशिश अगर करोगे तो धीरे धीरे दैट टुगेदरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट. एंड डोंट फील गिल्टी, कुछ भी करो, मेरे बच्चे को तो बेस्ट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. देयर आर सो मेनी साइंस एंड द रिसर्च सेज इट्स ओके इफ़ यू हैव गिवन यू 100%, फिर भी बच्चा अगर नर्स नहीं कर पा रहा है, इट्स ओके. गिल्ट फ्री मदरहुड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. कुछ अनयूजुअल चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ विच कैन ऑल्सो हेल्प, जो ट्रिक के तौर पर नहीं यूज़ होती है बट दे आर ऑलवेज हेल्पफुल. कोशिश करो कि बच्चे को स्लिंग में या बेबी कैरियर में आप बच्चे को चेस्ट के पास रख के अपने घर के कुछ काम करो, और यू कैन गो फॉर अ आउटिंग और यू कैन गो फॉर अ वॉक ऑन एवरी डे बेसिस. अगर आपके आस पास कोई मदर है जो बच्चे को फीड करा रही है तो बच्चे को प्रिफरेबली वो सराउंडिंग ऑब्जर्व करने दो, देखने दो. वैसे बच्चे काफ़ी क्यूरियस होते हैं, दे डू सी हियर एंड देयर एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स देम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेकिंग बाथ टुगेदर. अगर आपके घर में आप जो भी नहाते हो तभी अगर आप बच्चे को साथ में लेके पानी डालोगे और बच्चे के साथ वो क्लोजनेस एन्जॉय करोगे, देन यू विल नॉट मिस ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड एंड अल्टीमेटली यू विल बी अ पीसफुल मदर. ये सारे ट्रिक्स याद रखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों ने बोला, कैन आई शिफ्ट माय बेबी फ्रॉम बॉटल टू ब्रेस्ट. ये सब चीज़ें याद रखो, हमेशा याद रखना. जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था, इट नीड्स टाइम, इट नीड्स पेशेंस, इट नीड्स जेंटलनेस एंड इट नीड्स टुगेदरनेस. ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और धीरे धीरे बच्चा मोस्ट प्रॉबली ब्रेस्ट पे शिफ्ट हो जाएगा. और जैसे मैंने बोला, नहीं शिफ्ट हुआ तो हम लोग बच्चे को उस सिक्योरिटी पे शिफ्ट करेंगे जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से मिलता है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. स्टे हैप्पी, स्टे काम, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बीइंग अ मदर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु आर नर्सिंग मदर्स. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.